किसान आंदोलन का नौवां दिन है, सियासत भी खूब हो रही है और इस बीच बड़ी खबर यही कि किसानों को टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का समर्थन मिला है। किसानों के प्रदर्शन में पहुंचे हैं डेरेक ओब्रायन, किसानों से बातचीत की है, उनके साथ बैठे हैं। आगे की रणनीति को लेकर जहां महाबैठक किसानों की हो रही है, उसी बीच टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन पहुंचे हैं और किसानों से उनकी समस्याएं जानने और समझने की कोशिश की है। अलग अलग पार्टियों का अलग अलग रुख किसानों की समस्या पर है। सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है, कृषि बिल वापस हरगिज नहीं होगा। वहीं विपक्ष में बैठी तमाम पार्टियां अलग अलग तरीके से इस पर सियासत भी कर रही हैं और सरकार पर सवाल भी उठा रही हैं। इसी बीच टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पहुंचे किसानों के बीच में, इसके बाद क्या कुछ कहा आप सुनिए। हमारा जो तृणमूल कांग्रेस से पूरा 100% सॉलिडैरिटी ये किसान के साथ है और 2006 साल में आज का दिन 14 साल आगे आज का दिन 4 दिसंबर इस दिन में ममता दी ने भूख हड़ताल शुरू किया था 26 दिन के लिए और आज वो दिन है। तो हम लोग किसान के साथ एकदम 100% है। पार्लियामेंट में तो आप खुद देखा तृणमूल को फेंक दिया, अभी पार्लियामेंट में हम लोग को सस्पेंड कर दिया, लेकिन ये आंदोलन जारी रहेगा। किसानों की समस्याएं सुने नहीं गई, इसीलिए आंदोलन की शक्ल इख्तियार कर ली है उनकी मांगों ने। नौवां दिन आज है जब किसान सर्दी की रातों में सड़क पर हैं, रात दिन यहीं गुजार रहे हैं, यहीं पर खा रहे हैं, यहीं पर सो रहे हैं। इन 8 तस्वीरों के जरिए सिलसिलेवार तरीके से आप पहले दिन से लेकर 8 दिन जो पिछले गुजरे हैं और 9वां दिन जो आज है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस परेशानी से, कैसी दुविधा से फिलहाल किसान जूझ रहे हैं। और खास बात ये कि इन किसानों में हर उम्र के किसान आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको बुजुर्ग भी मिलेंगे, जवान भी मिलेंगे, मध्यम वर्ग के भी मिलेंगे और साथ ही साथ हर एज के, मिडिल एज के भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे में जब 8 दिन यह आंदोलन चलता रहा, 9वें दिन आज फिर से आंदोलन जारी है। जतिन गोस्वामी का रुख कर लेते हैं, दिल्ली यूपी बॉर्डर से लगातार सुबह से पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। जतिन, आप इस बीच खबर आई थी कि गाजियाबाद से दिल्ली आने वाला रास्ता पुलिस के जरिए खुलवाया गया है, अपडेट आप बताइए, तस्वीरें दिखाइए। देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जो दिल्ली से आने वाला रास्ता है पुलिस ने तुरंत खुलवा दिया था, थोड़ी देर के लिए वहां पर किसान पहुंचे थे। मैं इस समय यूपी गेट पर नीचे की तरफ मौजूद हूं, नेशनल हाईवे 9 से नीचे। और आप देखिए, आप जो कह रही थी ना कि हर उम्र के किसान यहां पर हैं, तो मध्यम उम्र के भी हैं और काफी ज्यादा उम्र के भी हैं और वो यहां पर अपनी जो रणनीति है वो लगातार तय कर रहे हैं और यहां पर क्रिएटिविटी भी देखने को मिल रही है। क्रिएटिविटी मैं आपको यहां सुनवाना चाहूंगा, उनसे सीधे हम बात कर लेते हैं। वो भी एक किसान है जो यूपी के एक हिस्से से आए हैं। क्या कुछ आप कह रहे थे एमएसपी को लेकर? एमएसपी को मेरा कहना यही है कि सरकार ने जो बिल बनाया है उसमें कहीं ये नहीं लिखा। कविता के माध्यम से आप कुछ कह रहे थे? कविता के माध्यम से मैं सरकार यही कहना चाहूँगा कि मतलब मेरा जो सुनो भाई, चारों तरफ है तबाही, लाचार किसान है भाई, मिला नहीं उनका दाम रे, सरकार पे आया अब तो इल्जाम रे। पहले तो तुमने किसानों को कहा था रेट अच्छा दिला।